जब दो व्यक्तियों के विचार मेल खाते हैं तो भले ही वो अलग अलग पेशे में क्यों ना हो, विचारों की एकता से दोस्त बन जाते हैं। ये बात राजनीति की धरातल पर इसलिए क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा सुर्खियों का सरताज बनकर हर किसी को अट्रैक्ट करने में जुटी है। अपनी आतिशी बल्लेबाजी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले क्रिकेटर सुरेश रैना अब जबकि क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, अब अपनी जिंदगी को एक नई मोड़ देने वाले हैं, नई चुनौती को स्वीकार करेंगे, जनता के बीच जल्द ही नए अवतार में दिखेंगे। सुरेश रैना क्रिकेट की तरह ही अनिश्चित रहने वाली राजनीति की दुनिया में एंट्री करेंगे। एक ऐसी पार्टी के झंडे के साथ विरोधियों के खिलाफ ताल ठोकेंगे जो समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित है, नाम है समाजवादी पार्टी। अब आप सोच रहे होंगे पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने आखिरकार सपा को ही अपनी राजनीति की जमीन तैयार करने के लिए क्यों चुना। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मुलायम परिवार से उनका अटूट रिश्ता। अखिलेश पर सुरेश रैना का विश्वास आज का नहीं है बल्कि उस वक्त से है जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, और जब अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अपनी कमान में यूपी की राज सत्ता को चला रहे थे, उस दौर में क्रिकेटर रहते हुए सुरेश रैना अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। सुरेश रैना ने उत्तर प्रदेश में क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में रैना को ये जानकर हैरानी हुई कि अखिलेश में सीएम बनने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया है। पहले की तरह ही अखिलेश ने सुरेश रैना को देखते ही गले लगा लिया और आश्वासन दिया यूपी सरकार सभी तरह के खेलों को बढ़ावा देगी, खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अवसर भी मुहैया कराया जाएगा। अखिलेश ने जो सुरेश रैना से वादा किया था उसे बहुत हद तक निभाया भी, और शायद यही वजह है कि मशहूर क्रिकेटर सुरेश रैना का झुकाव सपा की ओर है। शायद साइकिल की सवारी कर बीजेपी समेत विरोधी पार्टियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का मन बनाया है। अब सवाल उठता है सपा के कद का किस रूप में इस्तेमाल करेगी, क्या सपा उन्हें चुनाव लड़वाएगी या फिर स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतार कर अपने प्रत्याशियों के किस्मत को और मजबूत बनाएगी। कयास ये लगाए जा रहे हैं यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुरादनगर सीट से क्रिकेटर सुरेश रैना सपा और आरएलडी के संयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों ही सुरेश रैना को चुनाव लड़ने के लिए मनाने में लगे हुए हैं। वहीं रैना के पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि रैना के भाई मुरादनगर विधानसभा सीट के प्रमुख लोगों से मिलकर क्षेत्र की राजनीति को भांप रहे हैं। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही है कि सपा सुरेश रैना को स्टार प्रचारक की भूमिका में इस्तेमाल करेगी। वैसे देखा जाए मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव की सुरेश रैना और उनके परिवार से काफी नजदीकियां रही है। सुरेश रैना ने तत्कालीन MLC आशु मलिक के साथ अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव से लखनऊ में मुलाकात भी की थी। यही नहीं, दोस्त की बहन की शादी का कार्ड सुरेश रैना ने राम गोपाल यादव को दिया था।